ये ओआरपी का कैप्सूल, इस बीमारी का इलाज नहीं है, इसको सर्जरी की जरूरत है। उन ऑफिसर चिन्ह संगठनों के अध्यक्ष हैं, आइए किसी भी चैनल पर मैं आपको खुली चुनौती देता हूं, आप डिबेट कीजिए क्या कौन सही है। ये किसी भी नेशनल चैनल पर आइए, मैं आपको वहां आने को तैयार हूं। नहीं, सही बात बताइए ना भारत सरकार को कि वास्तव में ये खराबियां हैं, इनको मैं आपकी तुलना थोड़ी कर रहे हैं। आप अपना पेमेंट रखिए, आप ऊपर ही रहेंगे, नीचे नहीं आएंगे, लेकिन हमें आपने जहां रहना था वहां से नीचे क्यों फेंका? सवाल इस बात का है कि हमें हमारा अधिकार कब मिलेगा। प्रवक्ता हैं गौरव सेनानी एसोसिएशन के। नमस्कार, मैं एक्स एसएम खुशाल सिंह, गौरव सेनानी एसोसिएशन की तरफ से आप और आपके यूट्यूब चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। और ये विसंगतियां की जहां तक बात है, 1973 के दौर से चौथे पे कमीशन से लेकर आज तक का मैंने विस्तार से बताया कि किस प्रकार हमारे हकों को मारा गया। सभी कुछ पहले डिफेंस पॉलिसीज अलग होती थी पेंशन पॉलिसीज यहाँ, और उसको सीएससी सेंट्रल सिविल सर्विसेज के साथ डालने के बाद ये सारी विसंगतियाँ आई, क्योंकि उनका सर्विस रेशो 60 साल के हिसाब से होता है, जवान का मिनिमम सर्विस 15 से 17 होती है। सबसे बड़ी बात यहाँ से शुरू होती है और आगे जाकर इन लोगों ने धीरे धीरे हमारे रजिस्टर्ड वैल्यू भी खत्म किए, जैसे कि आपको बार बार बताया जा चुका है। राष्ट्रपति के कलम की पावर कहाँ गई? हिंदुस्तान का लोएस्ट रजिस्टर्ड रैंक जब लेवल 8 4800 से शुरू होता है, जबकि नायब सूबेदार साहब 35406 पर आप शुरू करते हैं। सिविल का हेडमास्टर साहब, बीडीओ साहब, सर्किल इंस्पेक्टर साहब, तहसीलदार साहब के रेंज में हम लोग आते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। फौज में तो छोड़िए, सिविल के लायक भी आपने नहीं रखा। सारे संस्थाएं डीजीआर ने, सारी सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक आप हैं। कल को यहाँ एक सीआईडी खुलती है तो उसके मैनेजर भी आप हैं। हमारे को ग्रेड लो होने की वजह से सिविल में भी ठीक से नौकरी नहीं मिलती है। यहाँ भी हम वहाँ से तो गए, लेकिन रिटायर होने के बाद भी आपने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। धन्यवाद आपके चैनल का आप लोगों ने। लेकिन जो आप ओआरओपी में जो हमें विसंगतियां उठा रहे हैं, इन सभी को केंद्रित करके ही ओआरपी थी, जो 35 से 50 साल के उम्र के जवानों के लिए होनी चाहिए थी। आपने इसी का फायदा उठा करके 58 से 60 साल के ऑफिसर्स लेफ्टिनेंट जनरल तक शामिल किए, तो क्यों ना क्यों सीआरपीएफ बीएसएफ पैरामिलिट्री फोर्स का क्या दोष है, वो क्यों ना मांग करें? सेंट्रल की सभी एजेंसियां ओआरपी के हक के दायरे में आई हैं, और वो भी मांग करें, क्योंकि आप क्यों ले रहे हैं? आप भी तो 60 साल में रिटायर हो रहे हैं साहब, और वापिस जो हक हमें मिलना था वो आपने छीन लिया। ग्रेड आपने हमारे छीने, रजिस्टर्ड वैल्यू आपने हमारी छीनी, पेंशन आने के बाद सारी पोस्टें आपने छीनी। इसलिए ओआरपी का कैप्सूल, इस बीमारी का इलाज नहीं है, इसको सर्जरी की जरूरत है। 1973 से आज तक की खामियों का पहले सर्जरी करें, देन पेंशन पॉलिसी इंडेक्स मैक्सिमम